हम स्वतः स्विचिंग लाइटों को बंद और चालू करने के लिए नियंत्रण स्विच की स्थापना के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। अब हम स्वचालित स्विचिंग लाइट यानी चालू और बंद के लिए नियंत्रण स्विच की स्थापना की प्रक्रिया देखेंगे। स्वचालित नियंत्रण स्विच कॉन्टैक्टर और टाइमर का एक संयोजन है। हम यहाँ एक डिजिटल टाइमर देख रहे हैं जिसका उपयोग हम लाइट्स के स्वचालित स्विचिंग के लिए करेंगे। डिजिटल टाइमर की स्थापना से पहले हम देखेंगे कि टाइमर का कनेक्शन टर्मिनल और हम चालू और बंद समय को कैसे सेट करते हैं। आप 16 एम्पियर 230 वोल्ट वाला टाइमर टर्मिनल देख सकते हैं जहां सिंगल फेज इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट होगी। अब हम नॉर्मल ओपन NO कॉन्टैक्ट और नॉर्मल क्लोज NC कॉन्टैक्ट देख रहे हैं। स्विचिंग उद्देश्य के लिए हम टाइमर नॉर्मल ओपन NO कॉन्टैक्ट के माध्यम से कॉन्टैक्टर कॉइल को बिजली की आपूर्ति प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डिजिटल टाइमर में ऑन और ऑफ टाइम कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम मेन्यू में जाएंगे। प्रोग्राम मेन्यू में प्रवेश करने के बाद हम एडिट ऑप्शन में जाएंगे। एडिट विकल्प दर्ज करने के बाद आप ऊपरी हिस्से को ऑन समय दिखाते हुए देख सकते हैं जो 18 घंटे के लिए सेट है, यानी लाइट 6 PM पर चालू होगी, और नीचे की तरफ ऑफ टाइम दिखा रहा है जो 5 घंटे के लिए सेट है, यानी लाइट 5 AM पर बंद हो जाएगी। हम ऑन समय सेट कर रहे हैं। हम प्लस माइनस बटन के माध्यम से समय बढ़ा या घटा सकते हैं। 18 घंटे यानी 6 PM समय तय करने के बाद हम टाइमर में समय निर्धारित करने के लिए ओके बटन दबा रहे हैं। अब हम ऑफ टाइम सेट कर रहे हैं। हम प्लस माइनस बटन के द्वारा टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं। 5 घंटे यानी 5 AM समय तय करने के बाद हम टाइमर में समय निर्धारित करने के लिए ओके बटन दबा रहे हैं। अब हम ओके बटन दबाकर समय सुरक्षित कर रहे हैं। अब यह मेन मेन्यू में चला गया है। अब यह इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है। अब हम टाइमर का वायरिंग कनेक्शन देखेंगे। टाइमर नियंत्रण स्विच की अनुपस्थिति में मुख्य बिजली की आपूर्ति इनकमर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB के माध्यम से सीधे बस बार को बिजली की आपूर्ति कर रही है। अब स्वचालित मोड में प्रकाश नियंत्रण के लिए हम टाइमर और कॉन्टैक्टर को इनकमर MCCB और बस बार के बीच जोड़ देंगे। स्थापना से पहले जैसा कि आप पहले देख रहे हैं, हम बिजली की आपूर्ति बंद कर रहे हैं और हम डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले MCCB के आउटपुट टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं है। मल्टीमीटर 0 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब बिजली की आपूर्ति नहीं है। अब हम काम करने के लिए सुरक्षित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले ही कॉन्टैक्टर स्थापित कर लिया है। अब हम कॉन्टैक्टर इनपुट टर्मिनल पॉइंट को वायर यानी लाल पीले और नीले रंग के माध्यम से इनकमर MCCB के आउटपुट टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। अब हम टाइटनेस की जांच कर रहे हैं। अब हम टाइमर स्थापित कर रहे हैं। इनकमिंग पावर सप्लाई टर्मिनल जो कि 230 वोल्ट है, फेज रेड न्यूट्रल ब्लैक कलर का थिंबल मार्क है, को जोड़ा जा रहा है, और अब नॉर्मल ओपन NO टर्मिनल को जोड़ रहे हैं जो कि कॉन्टैक्टर कॉइल की बिजली की आपूर्ति प्रदान करेगा। अब हम HRC फ्यूज को जोड़ रहे हैं। अब स्वचालित स्विचिंग डिवाइस जुड़ गया है और टर्मिनल की उचित मजबूती सुनिश्चित कर लिया गया है। अब हम सुरक्षा के उद्देश्य से बस बार को इंसुलेटेड शीट से कवर कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट पैनल स्वचालित मोड में स्विच करने के लिए तैयार है। अब हमने MCCB को चालू कर दिया है। हम मैनुअल मोड में चयनकर्ता स्विच की स्थिति से मैनुअल मोड में ऑपरेशन की जांच कर रहे हैं। अब हमने ऑन पुश बटन स्विच दबा दिया है। ऑन इंडिकेशन लैंप चमकने लगता है जो दिखाता है कि स्ट्रीट लाइट चालू हो गया। अब हमने ऑफ पुश बटन स्विच दबा दिया है। ऑफ इंडिकेशन लैंप चमकने लगा है। यह दिखा रहा है कि स्ट्रीट लाइट बंद स्थिति में है। आधुनिक LED स्ट्रीट लाइट से मौजूदा स्ट्रीट लाइट फिक्स्चर को बदलना या रेट्रोफिट।
अब हम देखेंगे कि आधुनिक एलईडी स्ट्रीट लाइट फिक्स्चर से मौजूदा स्ट्रीट लाइट फिक्स्चर को कैसे बदला या फिर से लगाया जाए। सबसे पहले हम बिजली की आपूर्ति बंद कर देंगे और डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि टर्मिनल पर कोई वोल्टेज नहीं है। हमने देखा है कि टर्मिनल में वोल्टेज 0 वोल्ट है। अब काम करना सुरक्षित है। अब टेक्नीशियन सीढ़ी के माध्यम से मौजूदा लाइट फिक्स्चर को हटाने के लिए लाइट फिक्स्चर टर्मिनल तक पहुंच रहे हैं। अब हम नए 36 वॉट एलईडी लाइट फिक्स्चर को फिक्स कर रहे हैं। अब फेज न्यूट्रल और अर्थ वायर के कलर कोड के अनुसार वायर टर्मिनेशन चल रहा है। अब हम पोल आर्म में लाइट फिक्स्चर को फिक्स कर रहे हैं और उचित मजबूती सुनिश्चित कर रहे हैं। अब रिप्लेसमेंट रेट्रोफिटिंग का काम पूरा हो गया है। अब हम स्ट्रीट लाइट पोल के टर्मिनल बॉक्स कवर प्लेट को फिक्स कर रहे हैं। अब यह लाइट ऑन करने के लिए तैयार है। स्थापना से पहले लाइट फिक्स्चर का परीक्षण। अब हम देखेंगे लाइट फिक्स्चर को फिक्स करने से पहले हमें किस तरह की जांच करनी है। सबसे पहले हम वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट, वॉट क्षमता और लुमेन के संदर्भ में फिक्स्चर की नेम प्लेट की जांच करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि यह इंस्टॉलेशन के लिए हमारी आवश्यकता के अनुसार है। फिजिकली हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइट फिक्स्चर में कोई क्षति ना हो। हम नट और बोल्ट की उचित टाइटनेस सुनिश्चित करेंगे। फिजिकली हम जांच करेंगे कि लाइट फिक्स्चर के अंदर कोई ढीला कण नहीं है। यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइट फिक्स्चर कांच अंदर और बाहर से साफ है और कांच पर किसी प्रकार का धूल या निशान नहीं है। अब मैगर के माध्यम से 250 वोल्ट पर इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करेंगे। पहले हम 250 वोल्ट पर फेज रेड और अर्थ ग्रीन के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करेंगे। हम मैगर का रेड प्रोब फेज वायर के साथ और मैगर का ब्लैक प्रोब फिक्स्चर के अर्थ वायर के साथ फिक्स कर रहे हैं। अब हम मैगर के माध्यम से 250 वोल्ट डीसी आपूर्ति लागू कर रहे हैं। अब हमने टेस्ट बटन दबाया। वैल्यू लगभग 5 गीगा ओम आ रहा है। अब यह सुनिश्चित करने के बाद कि मैगर ठीक से डिस्चार्ज हो गया है, हम उसी तरह न्यूट्रल और अर्थ वायर के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जांच करेंगे, जिसका मूल्य लगभग 5 गीगा ओम आ रहा है। मैगर वैल्यू अच्छा है। साथ ही हम लाइट फिक्स्चर का फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, यानी कलर रेंडरिंग इंडेक्स, CRI परीक्षण, कलर टेम्परेचर परीक्षण, लुमेन परीक्षण, बिजली की खपत परीक्षण। उसके बाद स्थान की आवश्यकता के अनुसार हम लाइट फिक्स्चर को फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा है कि स्ट्रीट लाइट के ऑटोमेटिक स्विच ऑन और ऑफ के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल स्विच को कैसे कनेक्ट किया जाता है। हमने देखा है कि स्ट्रीट लाइट फिक्स्चर को बदलने रेट्रोफिटिंग कैसे किया जाता है। इसके अलावा हमने लाइट फिक्स्चर की स्थापना से पहले देखा है कि हमें किस तरह का परीक्षण करना है।